मैं आपके चैनल से शहर की आवाम से बोलना चाहूंगा कि ये आजूद बाजूद दो भाई खलीफा, ये दोनों कल से निकल गए। रोड का काम होना चाहिए, कोरगोड़ का काम शुरू कर दो, हमको कोई मोजना नहीं है। और एकदम लड्डू में तोला जाए इनको, उससे आवाम को कोई लेना देना नहीं है। आवाम अच्छी तरह, आप भय तो गया उनका चमचा असलम अंसारी दलाल है, उसको आजकल दलाली पे रखे ले शेख आसिफ साहब। चैतन्य पैरा मेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरा मेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। बड़े कब्रिस्तान के सामने ये जनाजा किसका रखा हुआ है? 5 मिनट से काम करो। ये जनाजे का एहसास तो कमिश्नर को नहीं होगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मरते तो उनके लिए कार्तिक का वो बनाया जाता और मुसलमानों के अंदर जो है जनाजा रेडीमेड मिलता। ये जनाजे का एहसास दिलाने के लिए आज के MLA और साबिक MLA को हम लोगों ने का एहसास दिलाया कि मरने के बाद भी तुमको इस रोड से जाना है और इस जनाजे से जाना है, इसका उनको एहसास नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर लाके जनाजा रखा। और ये दोनों लोगों को अगर जरा सी भी शर्म और अक्कल रहती तो ये शहर के बच्चे, यहाँ के काम धंधा करने वाले, यहाँ से रोड से गुजरने वाले माँ बहने, या कब्रिस्तान के अंदर आने वाला जनाजा, यहाँ पर आने वाले नमाजी आज सालों से परेशान है। बार बार इनको बोलने के बाद भी रोड का काम शुरू नहीं हो रहा है। आज हमने कमिश्नर को पीछे एंटीमेशन दिया था, आज वापस हमने एंटीमेशन देने के बाद आज धरना दे रहे। हम जब तक के यहाँ पर सिटी इंजीनियर, जिम्मेदार ऑफिसर नहीं आएंगे, आयुक्त साहब नहीं आएंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। काम कब शुरू होगा ये हमको पक्का, काम की शुरुआत जो दिन होगी उसने हमसे बात करना, हम यही बात के ऊपर यहाँ से उठेंगे। भले हमें पुलिस गिरफ्तार कर ले, हमको पुलिस ले आके बंद कर दे, इतने आसान तरीके से हम धरना खत्म करने वाले नहीं है। ये शहर का सबसे अहम रास्ता है, कई सालों से यहाँ पर धंधा करने वाले परेशान है, यहाँ पे कारोबार करने वाले परेशान है, यहाँ रोड से गुजरने वाली माँ बहने परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, बाकी यहाँ के लीडरान की मोटी चमड़ी ये कभी ये रोड के बारे में सोचते नहीं है। 2 साल कबल इमरान शेख रशीद ने यहाँ पर पेचवर्क का काम किया था, रोड बनाया था, पहली बारिश के अंदर रोड भय गया। आप भय तो गया उनका चमचा असलम अंसारी दलाल है, उसको आजकल दलाली पे रखे ले शेख आसिफ साहब ने, वो आके उल्टा सीधा बयान देता, बोले वो तो पेचवर था। अरे 20 लाख रुपए का रोड का काम किया था, बड़े बड़े फोटो लगाए थे, इन्होंने शहर को खूबसूरत करने का वादा कितना किया। माँ बाप महापौर थे 5 साल, लोगों को ये लोगों ये शहर का सत्यानाश किए, कचरे में भ्रष्टाचारी, रोड में भ्रष्टाचारी। ये शहर का अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो मुफ्ती इस्माइल और शेख आसिफ, इन्होंने शहर का सत्यानाश कर दिया। ये गरीब आवाम को कभी उन्होंने नहीं सोचा, क्या ये शहर के गरीब लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई का इनको पैसा भी दिया और रोड भी दिया? इन्होंने आज तक ये गरीबों का नहीं सोचा। हमारे शहर का ये रास्ता, ये जब तक के काम चालू करने की बात नहीं करेंगे उस तक के हम उठेंगे नहीं, या जिम्मेदार ऑफिसर नहीं आएगा। भले पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, पुलिस को जो हमें ऊपर केस करना है कर ले, यहाँ से हम आज उठेंगे नहीं। ये रास्ता क्या कारपोरेशन के फंड से बन रहा है या MLA के फंड से? किसी के भी फंड से बन रहा होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको यहाँ रास्ता बना के दो, आवाम के लिए सुविधा होना चाहिए। कोई किसी के बाप के घर से नहीं बनाता। देखो एक बात सुनो, कौन करेगा? हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आवाम की सहूलत के लिए बैठे हैं, हमको आवाम की सहूलत चाहते हैं। हमको यह रोड का काम होना चाहिए, कोरगोड़ का काम शुरू कर दो, हमको कोई मोजना नहीं है। और एकदम लड्डू में तोला जाए इनको, उससे आवाम को कोई लेना देना नहीं है। आवाम अच्छी से अरे शहर की आवाम अच्छी से समझ चुकी, ये धोखेबाज लीडरों को इन्होंने वोट दिया। अब जब आखिरी अय्याम आता, 4 साल 8 महीना गुजर जाता, लेके निकल जाते ये लोग झूठ का पलिंदा, और पूरे शहर के आवाम को झूठ बोलकर ये हमने किए वो हमने किए। अरे कौन सा तुमने किए? सब आवाम के बीच में आओ, अरे ये लगाओ टेबल और पूछिए, ये शहर की आवाम आपसे पूछेंगी, ये गरीब आवाम पूछेगी, यहाँ का मजदूर पूछेगा, यहाँ का सरमायादार पूछेगा, यहाँ का बुनकर पूछेगा, यहाँ का कारोबार करना पूछेगा। जिसने आपको वोट दिया था, जिसने नहीं भी दिया था, उनके भी आप MLA हो। शहर के अंदर भ्रष्टाचार की फैलाने वाला शेख आसिफ, मैंने जो मैंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसका दलाल उस असलम अंसारी और शकील जानीबेग, उन्होंने मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब देना था। भ्रष्टाचारी मैंने ये बोला था उनको कि तुमने कचरे के टेंडर में पार्टनरशिप किया, 1200 का 2400 में टेंडर दे दिए, बड़ी भ्रष्टाचारी करोड़ों में हुई।
मैंने कहा था खिचड़ी का टेंडर, गरीब और बच्चों का, बच्चे ना नादाम ना मासूम बच्चों का खिचड़ी खा रहे, उसका जवाब दो। अभी कल से एक नवी बात आई, मैं आपके चैनल से शहर की आवाम से बोलना चाहूंगा कि ये आजूद बाजूद दो भाई खलीफा, ये दोनों कल से निकल गए रोड के ऊपर और शॉपिंग सेंटर वालों से 50,000 रुपया नए एग्रीमेंट के नाम पे जमा करने का काम इन्होंने शुरू करा, ये छोटो ने दोनों ने। मैं इनके इनके बारे में अकलम अंसारी 2 रुपए की संडात का पैसा गू खाऊ उसको मैं आज बोला जब तेरे हिम्मत है तो तेरे बाप को शेख आसिफ को लेके मेरे सामने बैठ के बात कर, तुमने कितना भ्रष्टाचारी किया गांव के अंदर मैं बताऊंगा। तुम्हारे लिए तो आखिरी लफ्ज सिर्फ शेख अकलम अंसारी, तेरे आखिरी लफ्ज तेरे में यही है। आप मैं 25 साल से कारपोरेशन में देख रहा हूँ कि तेरे से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं आज तक के, इतनी चोरी 200 रुपया भी लेता है कारपोरेशन इससे तो मैं बोलता हूँ मेरे पास लफ्ज नहीं है, अगर बोलूंगा तो उसको तो शर्म में डूब के मरने होना कि एजाज बेग ने मेरे लिए क्या बोल दिया। आप बोल रहे कचरे के टेंडर में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस वक्त ना कोई बॉडी है ना कुछ है, शहर के एमएलए जिम्मेदार है, क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है भ्रष्टाचार? एक बात बोलो, वो ये पदाधिकारी है आज पूरे शहर में। मैं एक बात तुमको बोलता हूँ बार बार, बार बार मैं एक बात एमएलए को कुछ समझता नहीं, उसको सिर्फ समझता है उसको कुछ समझता है तो सिर्फ पैसा समझता है ना, और इन लोगों को समझता है तो ये दबाव डाल के काम करा लेते हैं, कचरे का टेंडर या अंडर ड्रेनेज गटर का काम। अंडर ड्रेनेज गटर के काम के बारे में कल मैं स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि उसके बारे में क्या मुझे कल बोलना है। ये बड़े बड़े काम के अंदर चोरी का जो रास्ता है, मैंने परसों भी कहा था आज भी बोल रहा हूँ, ये कंपनी लाने वाला, चोरी की कंपनी लाने वाले लतीफ अनवर साहब है और इन्होंने लाए ये कंपनी को, उसके अंदर एक कंपनी ब्लैक लिस्ट है नासिक के अंदर, उसके भी पेपर निकल रहे हैं, इन्होंने कैसा दिया उसकी नई मालूमात लेने के बाद ये कमिश्नर ने। मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को, भ्रष्टाचार शेख आसिफ और चोर असलम अंसारी, उसके बाद शकील जानी बेग, ये लोग क्या बोल दिए, हमें बेवकूफ है, एक डैम खुद का बनाएंगे अपना कॉर्पोरेशन का तो वह भाड़े का भी, वो अभी डैम अपना ही है, एक डैम और बन जाएगा तो मालेगांव शहर के अंदर मालेगांव के लोगों को पानी मिलेगा, सेती महामंडल की जगह लो, ये सारी बातें मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा, ये शहर की आवाम का भलाई की बात करो, ये सारी बात करती नहीं वो, ये भलाई की बात करते नहीं है, ये शहर के लोगों को बेवकूफ समझ रहे और ये इनका अंजाम आने वाले चुनाव के अंदर, ये शहर की आवाम इनका अंजाम इनको पहुंचाएगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल इनके हर जो इनके काले काले छिट्टे सब निकालूंगा और आवाम के साथ मिलाऊंगा।